पंजाब से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के ही कहने पर नई सरकार का गठन हो रहा था, उन्हीं के चॉइस के आदमी चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, नए कैबिनेट का गठन हुआ था। और अभी अभी खबर यह आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे कुछ समय पहले खबर यह आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं, खबर यह आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो सकती है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, गृहमंत्री के साथ उनकी बैठक की बात आ रही थी। उसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। और सीधे चलते मेरे सहयोगी मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, आखिर क्या हुआ, क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया? देखिए गौरव, नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिमंडल के गठन को और कुछ पोर्टफोलियो के एलोकेशन को लेकर नाराज चल रहे थे, खासकर गृह मंत्रालय को लेकर वो, क्योंकि जिन को ये बांट दिया गया है उनसे नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय मिले, गृह विभाग मिले। इसलिए हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में इसको स्पष्ट नहीं कहा है, किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अब पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब की राजनीति में। आज ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं, उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शिमला से आकर दिल्ली की ओर चल रहे हैं। और अब अचानक नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देकर पंजाब की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा करती है। इतनी बड़ी उथल पुथल और इतनी जल्दी, अभी ही नवजोत सिंह सिद्धू को एक तरह से कमान सौंपी गई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज थे इस बात से कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, ये कहा कि अगर इन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा आने वाले चुनावों में पंजाब कांग्रेस का, तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के ही साथ खड़ी रही और अब इस्तीफा। तो क्या केवल गृह मंत्रालय का पद सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिए जाने से नाराज थे या नाराजगी की और भी कोई वजह है? देखिए गौरव, नाराजगी की कई वजह हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू पहले खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी हाईकमान ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने अचानक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे बढ़ा दिया था। और उसके बाद जो बारी आई वो कुछ अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी वो नाराजगी हुई, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती की या फिर पंजाब पुलिस प्रमुख डीजीपी लगाए गए वो अपनी मर्जी से लगाए, वहां पर भी नवजोत सिंह सिद्धू अपनी चलाना चाहते थे लेकिन उनकी एक नहीं चली। और उसके बाद गृह विभाग की बात थी, गृह विभाग में भी वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का विरोध कर रहे थे लेकिन वहां पर भी चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी हाईकमान ने उनकी वरीयता को देखते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही ये विभाग दे दिया। इसे नवजोत सिंह सिद्धू और उनके खेमे के जो लोग हैं वो नाराज हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी नाराज चल रहे थे क्योंकि उनके क्षेत्र से और उनके कैंप से ताल्लुक रखने वाले कुछ जो विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर कई बड़ी बातें थी जिससे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे, लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठा देंगे, पीसीसी के अध्यक्ष पद से ही त्याग पत्र दे देंगे, इसका किसी को अनुमान नहीं था। और अब उन्होंने नाराज होकर पीसीसी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। उनका अगला कदम क्या होगा ये फिलहाल नहीं पता, उनको मनाया जाएगा या फिर कुछ और करेंगे ये फिलहाल देखना होगा निश्चित तौर पर। लेकिन उनकी नाराजगी को खासा पोशीदा रखा गया था क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई मंजीत वो ये थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को वो उनका हाथ पकड़ के आगे चला के ले जा रहे हैं, कभी उनके कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं। तो दिखाने का यही प्रयास किया जा रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के पीछे जो हाथ था वो नवजोत सिंह सिद्धू का था। तो क्या ये असल नहीं थी ये बात, या फिर ये बात नहीं हो पाई और इसी से नाराज होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कदम उठाया?